स्टेडियम विद अ न्यू वीडियो। ओके सो गाइस, अभी फिलहाल के टाइम में हम लोग हैं शास्त्री चौक, और गाइस यहाँ पे आप लोग जो कंस्ट्रक्शन देख रहे होगे, ये पहले के टाइम में मैंने जब देखा था यहाँ पे कुछ और पोस्टर लगाई गई थी। मतलब देखने से आप कहते हैं ना कि जो पोस्टर लगा था वो बना ही नहीं है, और फिर अभी इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है थोड़ा बहुत। बट गाइस ऐसा क्यों करते हो, जो दिखा रहे हो वो बनाना चाहिए ना, पर वो बना नहीं है। अब छोड़ो ये लोग क्या करते हैं, यही लोग जानेंगे। वैसे पूछने से तो बोल देंगे बजट ये है वो है, वो सब छोड़ो आप लोग, अभी हम लोग वीडियो को एंजॉय करते हैं। जस्ट बिकॉज आज हम लोग कवर करेंगे शास्त्री चौक से नौसड़ से होते हुए बाघागाड़ा तक, जस्ट बिकॉज वहाँ पे हम लोगों का सेंटर गया है, और वहाँ तक की डेवलपमेंट क्या क्या है वाइब्स देखेंगे, और फिर कहाँ पे क्या मिलता है सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोगों का सेंटर गया है, वहाँ पे हम लोगों का एग्ज़ाम है। तो हम लोगों ने भी सोचा थोड़ी बहुत पढ़ाई करके एग्ज़ाम एग्ज़ाम दे लेते हैं भाई, लेखपाल की भर्ती आ रही है, सो चलो चलते हैं देखते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को पता ही होगा ये कौन सा प्लेस है, अभी के टाइम पे इसका नेम चेंज करके भगत सिंह के नेम पे रख दिया गया है इस प्लेस का नाम। सो अच्छी बात है, फ्रीडम फाइटर के नेम पे होना चाहिए। और ये आपको सीधा नौसड़ से कनेक्ट कर देगी, यहाँ पे रास्ते में आपको मज़ार भी मिल जाएगा, और फिर आपको पार्क वगैरह भी मिल जाता है इस रोड पे। और ये एक सिंगल लेन है जो कि आपको नौसड़ की जो हाईवे है, लखनऊ वाली हाईवे जो है उससे कनेक्ट करती है, नहीं तो आपको पूरा मोहद्दीपुर घूम के आना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको ये सब देखो, ये घर जो है ना, ये गाइस काफ़ी पुराना घर है, ये आप लोग देखो पता नहीं किस ज़माने का घर है, काफ़ी पुराना है। और इसके सामने वाला भी देखो, आप लोग इधर का देखे होगे कि नहीं, मैंने सोचा आप लोगों को मैं ही घुमा देता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ घूमो, मैं जहाँ जाऊँगा आपको साथ में घुमाता रहूँगा। और यहाँ पे भी ट्रैफिक देखो हमेशा लगी रहती है, अब जिस दिन ये लेन चौड़ा हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा लोगों के घरों का क्या हाल होगा वो तो यही लोग जानेंगे, क्योंकि हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक लगी जाती है। आगे थोड़ी सी सही है, मतलब सिंगल सिंगल लेन है इधर से जाने का उधर से आने का, और ये वाली पे भीड़ लगी जाती है क्योंकि दोनों सारे तरफ से गाड़ियाँ आती है, तो इस धरी से जाती हैं, ये मैजिक हो गई, ऑटो हो गई, आगे जाके भगत सिंह चौराहे से वो सब कट जाती हैं, वो सब ट्रांसपोर्ट के रोड पे चली जाती है, और ये सब बाइकें वगैरह कार वगैरह ये अपने लेन पे चलती रहती है। और इधर से आप जाओगे तो ये बंधा होते हुए जाओगे, और यहाँ से सीधा जाओगे तो आप लोगों को सीधा नौसड़ के मेन रोड पे निकलेगा, नौसड़ के मेन हाईवे पे निकलेगा जो कि लखनऊ से कनेक्ट होती है। और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में पतंजलि का स्टोर भी मिल जाएगा, और फिर राइट हैंड साइड में आपको अच्छे अच्छे सैलून भी मिल जाएंगे। और आप ये देखो मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग वाइब देखो कितनी अच्छी आ रही है। और यहाँ पे एक कॉलेज भी है, कॉलेज का नेम मेरे को नहीं मालूम है, और ये लोग गाड़ी देखो कैसे बैक कर रहे हैं, सही है भाई सही है। और यहाँ पे भी गाइस जब बारिश होती थी ना, यहाँ पे भी पूरी पानी ही पानी लग जाती थी, और ये मज़ा आ रहा है, और ये आगे भी मज़ा आ रहा है। राइट हैंड साइड में पहले आपको पार्क दिखेगा, और फिर इसके पार्क के पीछे मज़ार है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। और अभी हम लोग फटाफट चलते हैं और नौसड़ की डेवलपमेंट को देखेंगे, और नौसड़ पे क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं। आपको फलों की मार्केटिंग करनी है ना, तो आप लोग नौसड़ जाओ, या फिर वहाँ पे जहाँ की फल मंडी है, जहाँ पे फल मंडी है, नौसड़ वाली रोड सीधा फल मंडी को जाती है, तो वहाँ पे भी आप लोग ले सकते हो, और फिर यहाँ पे भी आप लोग ले सकते हो। हर टाइम पे हर टाइप के फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे, तो अभी हम लोग फटाफट जाएंगे और उसको भी देखेंगे, और अपना कहाँ पे सेंटर गया है उसको भी देखेंगे, क्योंकि मैंने देख भी नहीं रखा है वो कहाँ पे है। बट मैं रेगुलर जाता हूँ नानी के वहाँ, क्योंकि मेरे को काम पड़ते रहता है, नानी के वहाँ जाना पड़ता है मेरे को, तो मैं इतना रोडों के साइड में ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा फोकस ड्राइविंग पे होता है। तो अभी मैं जाके देखता हूँ, वैसे तो मेरे को आइडिया है, क्योंकि ये जो ब्रिज है जो कि गोरखपुर बाईपास है उससे थोड़े से आगे में है, ये तो मेरे को आइडिया है। बट अभी हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे कहाँ पे है, क्योंकि वहाँ से मेरे को डाउट है, यहाँ तक की लेन को
जो ब्रिज है वहाँ तक की लेन के तो मैंने देख रखा है, उसके बाद वो कहाँ पे है उसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा। और ये गाइस यहाँ से लेफ्ट लोगे, अगर आप भीड़ है तो यहाँ से राइट लो, सॉरी राइट लो और सीधा आगे निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक लगा रहता है। कोई वहाँ से मुड़ के जाता है आगे से कुल चक्कर से, और कोई इधर ही से मुड़ जाता है, क्योंकि ट्रैफिक लगी होती है तो पुलिस वाले इधर से मोड़ देते हैं। और यहाँ से फटाफट नहीं निकालोगे तो आप लोग भी फंसे रहोगे, तो ट्राई करो फटाफट निकालो। आप लोग देखो मैं कहाँ से टर्निंग ले रहा हूँ। और गैस बस यहाँ पे आप लोगों को बस वगैरह सब कुछ मिल जाती है, और आगे जाके तो और भी मिल जाएगी। और यहाँ से हम लोग देखेंगे ये क्या बोलते हैं राजघाट को भी कवर करेंगे, तो देखते हैं। सो चले चलते हैं, देखते हैं। और ये आपको लेन सीधा NH 22, NH 27 आई थी, जो कि लखनऊ से कनेक्ट करती है। सो चलो चलते हैं, इसे इंजॉय करते हैं। गैस इस पे बाइक होनी चाहिए, बाइक आगे चल के लेन इतनी अच्छी है ना, मज़े ही मज़े हैं, क्या बोलूँ। और एक आपको आगे जब आप सहजनवा के पास पहुंचोगे तो आपको ये नेपाल के साइड जाने वाली एक न्यू ब्रिज भी कंस्ट्रक्शन उसकी हो रही थी, उसकी भी कंप्लीट हो गई है, वो भी लेन चालू है। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को दिक्कत भी होती थी, वहाँ से जो लोग आते थे तो उनको पूरा गोरखपुर घूम के जाना पड़ता था, बट अब वो सीधा सीधा उधर से निकल जाएंगे, तो वो लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको ये JCB केरान वगैरह, JCB की खुदाई तो आपको पता ही होगी, तो ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है गाइस, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा से ऊपर ऊपर की ट्रैफिक लग जाती है, मतलब चीटी की तरह हो जाता है पूरा ट्रैफिक ही ट्रैफिक। पी पाँ ऐसे खड़े रहो, दिन भर खड़े रहो, सुबह से शाम 4 घंटा मैं तो फंसा हूँ, 4 घंटा मेरे को मालूम है, और बाकी कौन कितना टाइम तक फंसा है वो तो मेरे को नहीं आइडिया है। और यहाँ से आप लोगों को मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरे फ्रूट से मिलेंगे, आप लोग देखो, आप लोगों को जो लेना है फ्रेश फ्रेश आइटम यहाँ पे मिलेगा अच्छे प्राइस में, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। आप लोग देखो काफ़ी ज़्यादा शॉप है, सब ठेले पे लगाई जाती है। और यहाँ से आप लोग वो गेट देख रहे होगे राइट हैंड साइड में, तो वो आपको राजघाट की तरफ लेके जाती है, सॉरी वो वाली नहीं, वो वाइट वाली आपको राजघाट की तरफ लेके जाती है, जो कि राजघाट का भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आपको मैं जल्दी उसकी भी ब्लॉग दिखा दूंगा कि वो कितना कंस्ट्रक्शन है कितना नहीं। और ये लगाने का, ये जाली जो है ये लगाने का मेन मोटो ये है, क्योंकि यहाँ से लोग मूर्तियाँ वगैरह भी विसर्जन कर देते थे, और काफ़ी सारे लोग सुसाइड भी कर लेते थे, तो ये लगाना काफ़ी ज़रूरी था। अब कुछ नहीं होता है, अब जाके नीचे से साइड में, जैसे मुहर्रम के टाइम में हम लोगों का एक करबला होता है, वैसे ये लोगों का भी बनाया गया है, तो वहाँ पे जाके ये लोग विसर्जन करते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, किसी को नुकसान भी नहीं होता है। और फिर ये जो पानी में नहाते हैं वो लोगों को भी केमिकल की वजह से कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये आप लोग रोड देखो ये कितनी फ्रेश फ्रेश है। और यहाँ पे आप लोगों को बसेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती हैं, क्योंकि आप लोग जब बुक करोगे कहीं जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए, तो आप लोगों को बसेस यहीं से मिलती है, यहाँ से या फिर वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जगह का नाम नहीं मालूम है, पर जो नौका विहार जाने वाली रोड है, जो नौका विहार का मेन गेट है वहाँ पे मिलती है आपको। नौका विहार तो पता ही होगा, वो उस जगह का नेम मेरे को नहीं याद पड़ रहा है, सॉरी याद पड़ेगा तो बता दूंगा। देखो ट्रैफिक की बात हो रही थी, ट्रैफिक लग भी गई, अब ट्रैफिक में कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग देखो, जहाँ साइड मिले वहाँ घुसा दो, लग गए 440 वोल्ट, क्या यार जब मैं ही आता हूँ तभी ट्रैफिक लगना होता है क्या। अब धीरे धीरे धीरे, एक तो एग्जाम देने जाना है, ऊपर से धीरे 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 लंबा फंस गया तो हो गया, क्योंकि घर से टाइम से भी निकला भी नहीं हूँ। अब जहाँ बस जगह मिले वहाँ घुसा दो, वही करना पड़ेगा। आप लोग देखो रोडों को छोड़ के कहाँ कहाँ गाड़ी चलानी पड़ती है, और अभी के टाइम पे तो थोड़ा मौसम भी सही है, कुछ दिनों से काफी ज्यादा ठंड पड़ रही है। आप देखो रोड कहाँ है और हम लोग गाड़ी कहाँ चला रहे हैं, क्या करोगे गाइस, चलानी पड़ती है। और ये हाइट, बाप रे बाप, ना ऊपर, ओहो सॉरी, स्टेबलाइजेशन का दिक्कत होगा,
सॉरी आप लोगों को। एंड गाइस आप लोग इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर करना। आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉग्स मिलने वाले हैं इस चैनल पे। और आप लोग गोरखपुर से हो तो प्लीज़ ही सब्सक्राइब तो कर ही लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर। तो चले चलते हैं, देखते हैं फटाफट इस जैम से निकलते हैं। और यहाँ पे एंड गाइस यहाँ पे आपको ये सब मिल जाती हैं, जो कि इसको क्या बोलते हैं, गंजी, ये सब भी मिल जाते हैं। और फिर आपको वाटरमेलन वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, जिसको स्वीट पटेटो बोलते हैं, स्वीट पटेटो इसको बोलते हैं। तो ये सब भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और फिर आपको पाइनएप्पल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। सीजन वाइज सीजन आता रहता है, तो आपको जो कुछ चाहिए सीजन वाली चीज़ वो आप यहाँ पे आओ। और आपको राइट हैंड साइड में समर के टाइम में आपको सस्ते सस्ते, तो इसमें क्या बोल रहा था, आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, सीज़न वाइज सब कुछ मिल जाएंगी आपको। राइट हैंड साइड में समर के काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन मिल जाएंगे अच्छे अच्छे प्राइस में, 250, 300, 400 ऐसे ऐसे प्राइस करके हैं। जैकेट वगैरह काफ़ी सस्ते सस्ते हैं, तो आप लोग अगर लेना चाहते हो तो यहाँ पे आके ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा लोग रुक के लेते हैं, तो आप भी ले सकते हो ज़रूरत के हिसाब से, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग देखो कितना ट्रैफिक है, और ये स्वीट पटेटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे उसके लिए भीड़ लगी हुई है। भैया निकालो, तो ये ट्रैक फंसी हुई थी, इसके लिए इतना जाम लगा था, मेरे को लगा क्या हो गया। और ये आप लोग वेदर देख रहे हो, स्काई ब्लू ब्लू। अभी आपको मैं ये बनारस वाले हाईवे पे वहाँ से आपको ये सब दिखाऊंगा, क्योंकि बनारस की जो हाईवे है वो उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो अभी कुछ कंप्लीट है कुछ नहीं, तो उसका ब्लॉग एक मैंने प्रॉपर ब्लॉग कर रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाओ जाके देखो। और गाइस काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे आपको ये जॉब्स के लिए इंटरव्यू वगैरह यहीं पे होते हैं। और ये है नौसड़ चौक, यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। इधर हम लोग निकलेंगे क्योंकि हम लोगों को बनारस वाली लेन पे जाना है, और आप लोग सीधा निकलते हो तो आप लोग लखनऊ के लेन पर चले जाओगे। और यहाँ पर मेरे लेफ्ट हैंड साइड में बस स्टैंड बन रहा है, देखो बसें तो कभी खड़ी नहीं रहती हैं, मैं तो कभी नहीं देखता हूँ। और ये गाइस बनारस की लेन है, जो आगे ब्रिज पड़ने वाली है वहाँ तक इसकी लेन कंप्लीट है, उसके बाद पूरा कंस्ट्रक्शन धूल ही धूल। गाइस मैं अपनी नानी के वहाँ गया था, उधर से आते टाइम मॉर्निंग में मेरे को इतना ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, और ऊपर से इतना धूल, मैं जैसे लग रहा था ये बालू वालू में से काम वाम करके आ रहा था। काफ़ी ज़्यादा धूल 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 धूल, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो धूल उड़ेगा ही, अब क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। तो अभी ये देखो आप लोग ये साइड के, मेरे को ये नहीं समझ में आता, ये पूरी लेन आप लोग छोड़ दो ना, बनाने का कोई मतलब ही नहीं है जब ये सिंगल लेन मिले, उतना ज़्यादा जगह मिले ही ना। आप लोग गाड़ी खड़ा करके रखते हैं, गाड़ी खड़ा करके रखते हो, फिर ये आपको बालू वगैरह सब कुछ रहते हैं, तो उधर कोई गाड़ी चलाता नहीं है, इधर चलाता है तो इधर प्रेस रहती है। तो प्लीज़ इसका भी ध्यान दिया करिए आप लोग अगर देख रहे हो इस वीडियो को, जो भी ये रोड का कंस्ट्रक्शन नगर निगम वाले हैं वो लोग, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। जैसे हाईवेज पे रहती है लेन पूरी क्लीन, वैसे ही रखा करो। मैं समझता हूँ ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, रोड के पास जिसका घर है वो कूड़ा करकट रोड पर ना फेंके, तो आप लोग भी अगर देख रहे हो तो प्लीज़ रोडों पर कूड़ा करकट ना फेंका करो। अब ये देखो ये लेन पूरा यूज़ में है, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है और चलाने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा जगह भी रहता है, कोई गाड़ी तेज जा रही है तो वो भी आराम से निकल सकती है, अच्छा दिखता है रोड भी। और ये आप लोग व्यू देख सकते हो, फटाफट हम लोग सेंटर पे चलते हैं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी हो रहा है, एग्ज़ाम भी छूट जाएगा हम लोगों का। और यहाँ पे एक मंदिर हुआ करती थी, उसकी गेट भी टूट गई है और इसे और अच्छा बनाया जा रहा है। यहाँ पे एक गेट था तो उसकी गेट टूट गई है, और यहाँ पे गाइस मूर्ति विसर्जन के लिए भी लोग आते हैं। सो अभी हम लोग फटाफट चलते हैं सेंटर पे, और सेंटर पे जाके मिलते हैं, देखते हैं टाइम रहा तो आप लोगों को दिखा दूंगा।
नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे एग्ज़ाम होता है CCC का। सो चलो चलते हैं, देखते हैं। और गैस आप लोग इस चैनल पे प्लीज़ न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि आगे काफ़ी अच्छी अच्छी ब्लॉग्स आने वाली हैं आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, राइड हार्ड। ओके सो गैस अभी फ़िलहाल के टाइम में हम लोग ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं। आप लोग मेरे लेफ्ट से जाते हो तो आप लोग कुशीनगर चले जाओगे, राइट पे जाते हो तो आप लोगों को अगर नेपाल बॉर्डर जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हो आप लोग, और फिर आपको लखनऊ जाना है तो वहाँ से भी राइट लेके आप लोग लखनऊ भी जा सकते हो। तो आप लोगों को जो ऑप्शन सही लगे, जहाँ आपको जाना अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लोग जा सकते हो। और यहाँ से ब्रिज के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखेगा इस पूरी की पूरी लेन पे, क्योंकि आप लोगों को मेरे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा कितना ज़्यादा चौड़ा किया जा रहा है। आपको मैंने इस जगह की एक प्रॉपर ब्लॉग दे रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ से कौड़ी राम तक के लेन को पूरा कवर किया है, नौसड़ से कौड़ी राम तक के लेन को। तो आप लोग अगर देखना चाहते हो तो जाओ जाके देखो। और गैस अभी हम लोग फ़िलहाल के टाइम पे सेंटर पे पहुँच चुके हैं, मेरे को लग रहा है एंट्री हो रही है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर से ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग उसे ऑन नहीं करोगे तो आप लोगों को न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। अगर ऑन करके रखोगे तो आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करोगे। सो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्प्रेड सम लव, राइड हार्ड, राइड सेफ। They can stop me, I'm all the way up.